लिए रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं कर्नाटका का सबसे बड़ा मॉल में। तब तक के लिए आप गेस कीजिए कहाँ जा रहे हैं और मैं वहाँ पे पहुँच के आपको बताती हूँ। हम पहुंच गए हैं लुलु हाइपरमार्केट में। ये है लुलु मॉल जो कर्नाटका का सबसे बड़ा हाइपरमार्केट है। इसमें लुलु ब्रांड से है ये और ये करीब 14 एकर्स में बना हुआ है। अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं बेसमेंट वन में, और बेसमेंट वन में पार्किंग करने के बाद हम लोग सिक्योरिटी स्कैन करके ऊपर मॉल की तरफ जा रहे हैं। मॉल का पूरा इंटीरियर यहीं से दिखता है। ये देखिए एस्केलेटर से जाते हुए समय कैसे दिख रहा है। एंटर करने के बाद फर्स्ट थिंग जो है वो लुलु का हाइपरमार्केट है। लुलु हाइपरमार्केट के जस्ट अपोजिट में लुलु फॉरेक्स भी है। यहाँ पे फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज करके ले सकते हैं। सारी शॉप्स लोअर ग्राउंड में हैं और अब चलते हैं लिफ्ट की तरफ। और यहाँ पर देखिए सामने कॉफ़ी शॉप भी है लिफ्ट के पास सारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसमेंट 3, बेसमेंट 2, बेसमेंट 1 ये सारे हैं। ये सारे पार्किंग के लिए यूज़ होते हैं। और उसके ऊपर लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ये जो 5 फ्लोर्स है, ये 5 फ्लोर पूरा मॉल का शॉप्स वगैरह हैं इसमें। और ये जो एंट्रेंस दिख रहा है, जो बाहर से आते हैं डायरेक्ट अगर बस से उतर के आ रहे हैं आप, तो आप इधर से एंटर कर सकते हो। तो ये भी एक दूसरे साइड से एंट्रेंस ही है लोअर ग्राउंड पे। लुलु फैशन स्टोर में ये सारे वैरायटी अवेलेबल हैं। क्लॉथ्स है, हैंड बैग्स है, शूज़ एंड सैंडल्स, बहुत सारा वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पे और क्वालिटी भी बहुत अच्छे लगे मुझे। हाइपरमार्केट में सारे वैरायटी के क्रॉकरी सेट्स थे और इसमें बहुत वैरायटी अवेलेबल थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ही वर्साटाइल वैरायटी के प्लेट्स एंड क्रॉकरी सेट्स सारे अवेलेबल है। और इसके साथ ही हम जब गए थे तो बहुत अच्छे अच्छे डील्स भी थे, और साथ ही में ग्रॉसरी ये सारे चीज़ भी मिल जाते हैं यहाँ पे। ग्रॉसरी हो या स्टेशनरी आइटम, बहुत वैरायटी मिल जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ही खाने के लिए भी बहुत सारा वैरायटी था, फ्रूट्स हो और थाली हो, और आप मिक्स एंड मैच करके कोम्बो भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग अपर ग्राउंड की तरफ चलते हैं, और यहाँ अपर ग्राउंड में जाते ही हम देख सकते हैं यहाँ पे सामने ही ये जो बस से वगैरह आते हैं बाहर, वॉक करके आते हैं, वो लोग इधर से एंटर करते हैं। और इसका इंटीरियर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये देखिए। और यहाँ सामने ही नायका का शॉप है, और एक ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ कौन कौन से शॉप से। नायका का मैंने पहली बार ही स्टोर देखा है यहाँ पे, वरना हमेशा ऑनलाइन से ही मैं ऑर्डर करती थी। और यहाँ स्टोर पे सारे ही मेकअप के सारे ही ब्रांड के मिल जाते हैं। और ये देखिए मॉल का इंटीरियर कितना ब्यूटीफुल है। और ये सेंटर में पूरा ऊपर से जो है ना फ्लावर्स, उन्होंने फ्लावर के शेप का डेकोर उन्होंने यहाँ पे डाला है, और बहुत ही प्रिटी लग रहा है यहाँ पे। और ये रहा पैंटलून। पैंटलून के एकदम साइड में ही वेस्ट साइड भी है, और ये सारे बहुत बड़े बड़े हैं स्टोर्स। अब मैं लेवल 1 पे आ गई हूँ, और लेवल 1 पे एंड के स्टोर्स हैं। मेट्रो है, स्केचर्स है, बाटा है, एडिडास है, बेसिकली शूज़ एंड क्लोथ्स के सारे ब्रांड्स लेवल 1 पे हैं। बीच में बैठने के लिए ऐसे जगह उन्होंने सीटिंग्स भी अरेंज किया है।
जीवामी का मैंने पहली बार ही स्टोर देखा है, इससे पहले मैंने स्टोर तो नहीं देखा था। और इसके आसपास में गो कलर्स, कैजियो का वॉच का शॉप एंड गो देसी, बीबा, सोच, ये सारे अवेलेबल है लेवल 2 पे। एथनिक्स बाय करना है एंड वेडिंग शॉपिंग करना है तो यहाँ पे मान्यावर एंड सोच वगैरह भी अवेलेबल है। कोलंबिया एंड यूएस पोलो के शॉप से। और आप लोग अगर बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे तो हर एक ब्रांड अवेलेबल है आपको। तो एक ही मॉल के अंदर इतने सारे ब्रांड्स है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लोग अगले वीडियो देखना मत भूलिएगा, इसमें मैं पूरा फंटूरा का ही आपको टूर कराऊंगी और फंटूरा में क्या क्या गेम्स है और ये कितना बड़ा है, ये सब आपको मैं टूर कराऊंगी। और लेवल 3 पे है खाने का कैफेटेरिया, यहाँ पे नागाज है और साथ ही में बहुत सारे आइसक्रीम स्टोर्स है और यूजुअल पिज़्ज़ा हट, KFC, ये सारे अवेलेबल है। हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे, 2-3 बार तो जा चुके हैं इस लुलु मॉल को। तो ये एक बार और हम जब गए थे उस दिन यहाँ पे एक स्टॉल लगा था और उसी स्टॉल में ये सारा सेल में थे आइटम्स, तो उस सेल का मैं दिखा दे रही हूँ आपको क्या क्या था सेल में। मॉल का आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग बहुत अच्छा किया है। और ये देखिए कायरा कैसे खेल रही है, और हम लोग भी कुछ कुछ फोटोज ले रहे थे वहाँ पे। अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए और ये देखिए पार्किंग से लोग कार कैसे नीचे निकाल रहे हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, होप आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग गए थे और आपका एक्सपीरियंस कैसे था।